hello everybody. My name is Priya Soni and I've done my masters in zoology honors. आप मुझे देख रहे हैं डॉक्टर एस के सिंह के चैनल पे, जहाँ पर हम बात करते हैं कि हम अपनी बायो को कैसे इम्प्रूव करें जहाँ पर हम बात करते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में जिससे कि हमारा नीट क्रैक हो जाए तो आइए आज हम इसी चीज़ को लेकर इसी चीज़ से रिलेटेड हम एक बात करते हैं दैट इज़ योर हाउ टू मैनेज नीट अलॉन्ग विद बोर्ड्स बोर्ड के टाइम पर जब हमारा एग्जाम्स चल रहे होते हैं जब हम ट्वेल्थ स्टैंडर्ड होते हैं तब हमें नीट को कैसे देखना है किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि हम दो चीज एक साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें कैसे मैनेज करना है चीजों को तो चलिए आज उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं नाउ गेट स्टार्टेड ओके okay. सबसे पहली बात आती है सबसे पहली चीज आती है टाइम मैनेजमेंट आज हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में ही बात करेंगे कि हमें पूरे दिन में कितने से कितना कितना टाइम हमें पढ़ना चाहिए हमें बोर्ड के लिए कैसे पढ़ना है और हमें नीट के एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है तो सबसे पहली चीज आती है दैट इज योर स्कूलिंग ठीक है कोई बच्चा स्कूल जा रहा है ठीक है आपका ट्वेल्थ का जो टाइमिंग है स्कूल टाइमिंग है वो क्या है स्कूल के जो वर्किंग स्कूल आवर्स है वो क्या है दैट इज योर मतलब सुबह आठ बजे से लेकर दोपहर में दिन में दो बजे तक ठीक है ये आपका टाइम पीरियड है जहाँ पर आप स्कूल में क्लासेस लेते हैं एक्टिविटीज करते हैं ये सारी चीजें हो जाती है उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद आपको ये करना है कि आपने पूरे दिन में स्कूल में जितना भी पढ़ाई किया जो भी किया जो भी काम किया उसका जो भी वर्क है जो भी आपका होमवर्क है स्कूल वर्क है एक्स्ट्रा वर्क है एवरीथिंग वो आपको पूरे दिन में तीन से चार घंटे में कंप्लीट करना है ठीक है मैंने फोर आवर्स तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया आपको दो से तीन घंटे में ना उसको कवर करना है चाहे वो आपका रिटर्न नोट्स है चाहे वो आपके ड्रॉइंग है या कोई भी काम है कोई भी स्कूल से रिलेटेड है ना उसको दो से तीन घंटे में निपटा लीजिए खत्म कर लीजिए ठीक है अच्छा चलिए अब आती है बात आपकी कि यहाँ पर नीट कैसे प्रिपेयर करना है नीट के पैटर्न को किस तरीके से देखना है यहाँ पर दो टाइप के हमारी जो ऑडियंस है ना वो दो टाइप के ऑडियंस है पहली ऑडियंस वो है जो जिन्होंने ऑलरेडी मतलब क्या कहते हैं जिन्होंने ऑलरेडी कुछ ज्वाइन किया है कुछ इंस्टीट्यूट कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है वहाँ से वो क्लासेज ले रहे हैं और वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर हम दोनों का डिफर करते कि किस तरीके से उनको करना चाहिए सबसे पहले बात करते हैं जिन बच्चों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है फॉर एग्जाम्पल अन ओके तो जो बच्चे स्कूल से आए जिन्होंने स्कूल का काम कर लिया सब कुछ कर लिया अब क्या करना है उनको डेली रूटीन में दो क्लासेस डेली देखनी है ठीक है चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री की देख लीजिए चाहे फिजिक्स बायो की देख लीजिए या फिर केमिस्ट्री की केमिस्ट्री बायो देख लीजिए कॉम्बिनेशन में लेके चलिए अगर आप तीन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं तो आप तीन सब्जेक्ट को पढ़ सक पढ, पढ़ लीजिए अदरवाइज दो कम से कम मिनिमम जो है टू क्लासेस आपको देखनी पड़ेगी ठीक है इस तरीके से करिए आपने कितना टाइम दिया दो से तीन घंटे इसमें दे दिए आप दो घंटे दे दीजिए दो से तीन घंटे तीन घंटे भी नहीं दे पा रहे आप दो घंटे दीजिए ये स्टार्टिंग के लिए है ये बिगनर के लिए है इस तरीके से दो घंटे दे दिए दे आपने ठीक है आप पढ़िए उसको रिवाइज करिए क्लासेस देखिए नोट्स देखिए जो भी आपके पास है वो सारी चीजें देख लीजिए ठीक है तो इस तरीके से आपका स्कूल टाइम भी चला गया आपका स्कूल का काम भी हो गया आपका वर्क भी हो गया और आपने क्लासेस भी देख ली अब इसको क्या करना है आपने जो ये पूरे दिन पढ़ा है आपने जो ये नीट के लिए जो भी पूरे दिन पढ़ा है वो मॉर्निंग में उठ के आप उसको रिवाइज कीजिए और आप लोगों ने ऑलरेडी मेरी रिविजन स्ट्रैटेजी वीडियोज़ देखी होंगी मैंने आपको बताया है कि वहाँ पे कैसे रिवाइज करते हैं तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और उस वीडियो को पहले देखिए फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए ठीक है तो इस तरीके से मॉर्निंग में आप सब कुछ रिवाइज कर लीजिए इससे क्या होगा आपका एक टाइम मैनेज होता चला जाएगा इस चीज को कंसिस्टेंसी के साथ करिए ठीक है अब क्या करना है आपको पर वीक ये करिए आपको एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ पकड़ना है जिसमें आपको डेली पढ़ना है जैसे फॉर एग्जाम्पल हर बच्चे का फिजिक्स वीक होता है तो फिजिक्स की क्लासेस आप डेली लीजिए ठीक है बायो की क्लासेस तीन से चार दिन वीक में ले लीजिए ठीक है और साथ में केमिस्ट्री की क्लासेस तीन से चार दिन ले लीजिए तो वीकली इस तरीके से हो गया पांच दिन आपने पढ़ा फिर उसके बाद रिवाइज कैसे करना है संडेज और सैटरडेज ठीक है वीकेंड्स पे सैटरडे संडेज जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है वो सारा आप सैटरडेज संडेज रिवाइज कर लिए कर लीजिए स्टार्टिंग में आपने क्या करना है सिर्फ कंटेंट पढ़ना है सिर्फ थ्योरी पढ़ना है उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि क्वेश्चंस कब सॉल्व करने है पहले कंटेंट को माइंड में लेके रखिए फिर उसके बाद आपको क्या करना है फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन uh, सॉल्व करने हैं ओके नाउ ये तो थी जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया है जिन्होंने क्लासेस ले रखी है इस तरीके से नाओ अब बात करते हैं जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं सेल्फ स्टडी में कैसे करना है सेम वही पैटर्न है स्कूल का पैटर्न खत्म होता है दो से तीन घंटे आपको अपने स्कूल के कामों में लगाने अगर उससे कम टाइम लग रहा है तब तो बहुत ही बढ़िया बात है ठीक है अब क्या करना है एनसीआरटी की बुक उठाइए ठीक है वही सेम प्रोसीजर है सेम प्रोसीजर है वहां तो बच्चे क्लासेस ले रहे थे वहां तो बच्चे खुद ही नो, उनको नोट्स मिल रहे थे बट यहां पर क्या करना है आपको सारा काम खुद ही मैनेज करना है ठीक तो यहां क्या करना है एनसीईआरटी की बुक उठाइए टॉपिक कवर करने के लिए टारगेट बनाइए कि आज मुझे तीन से थ्री टू फोर पेज आज मुझे रीड करना है इसको समझना है इसके मीनिंग समझने और ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है सेम वही प्रोसीजर है दो से तीन घंटे आप वहां दीजिए ठीक है फिजिक्स को डेली पढ़िए केमिस्ट्री बायो को ऑल्टरनेट डेज में पढ़िए और जो भी आपने पढ़ा है उसको वीकेंड्स पे जाके उसको रिवाइज कर लीजिए इस तरीके से आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा आपके बोर्ड्स पे भी प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी और आपको नीट के एग्जाम्स में भी हेल्प मिलेगी ओके okay, समझ में आई आप सबको चीजें होपफुली आपको समझ में आया होगा और फिर उसके बाद क्या करना है मॉर्निंग में रिवाइज करिए सारी चीजें रिवाइज करिए इसको वीकली बेसिस पे करिए वीकली बेसिस पे जैसे जैसे करते रहेंगे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी आपको हैबिट हो जाएगी हैबिट के साथ साथ आपकी लर्निंग पावर भी इंक्रीज हो जाएगी तो इस तरीके से टाइम को मैनेज करिए इससे क्या होगा ना आपका बोर्ड्स का भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आपका नीट का एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा थोड़े बहुत टारगेट्स अगर रह जाते हैं बच्चों थोड़े बहुत टारगेट्स अगर रह भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको एज अ नेगेटिव वे में मत लीजिएगा ठीक है है जितना किया है, उसको उतना उतना पढ़िए समझिए उतने ए को क्लियर कीजिए ठीक है जितना पढ़ रहे हैं दैट इज वेरी 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 इनफ फॉर यू ओके क्वालिटी कंटेंट ज्यादा जरूरी है क्वांटिटी कंटेंट जरूरी नहीं है जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आप आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट कीजिए कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ क्लियर कीजिए ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर बाय